नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बसपा ने बीजेपी की जीत को धनबल की जीत करार दिया है। नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी सपा की ओर से जया बच्चन चुनाव जीत गयी जबकि बहुजन समाज पार्टी बसपा के उम्मीदवार भीमराव अम्बेडकर हार गए। बसपा ने बीजेपी की जीत को धनबल की जीत करार दिया है। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने कहा, हमारे दो विधायकों को अगवा किया गया था, हमारे समर्थकों को धमकी दी गई, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बेईमानी हुई है, हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है, बीजेपी ने वोट खरीदने का काम किया है, भाजपा ने चुनाव के लिए धन और स्टेट पावर का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे दो लोगों एमएलए को वोट नहीं देने दिया, उन्हें अदालत और चुनाव आयोग से आदेश दिए गए फिर भी उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई। मिश्रा ने एसपी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि इसका फैसला बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगी। गौरतलब है कि इस चुनाव में भाजपा ने 9 उम्मीदवार उतारे थे जिनमें से सभी को जीत मिली। वहीं इस जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा, राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, इसके लिए मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। और पढ़ें, यूपी से राज्यसभा की 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, बसपा को लगा झटका, भीमराव अंबेडकर हारे, जया बच्चन जीती। राज्यसभा चुनाव में 400 विधायकों ने मतदान किया। सूबे की 403 सीटों में एक विधायक के निधन और दो विधायकों को जेल में बंद होने के चलते वोट डालने की अनुमति नहीं मिली थी, इसके चलते वो मतदान नहीं कर सके। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा से लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, डॉ अनिल जैन, अशोक वाजपेयी, कांता कर्दम, विजय पाल सिंह तोमर, डॉ हरनाथ सिंह यादव, सकलदीप राजभर और जीवीएल नरसिम्हा के साथ 9वें उम्मीदवार के तौर पर अनिल अग्रवाल को मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और बसपा ने भीमराव अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया था। यह चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सूबे की दो बड़ी सियासी ताकतों सपा और बसपा के गठबंधन की संभावनाओं के लिहाज से निर्णायक माना जा रहा था। हालांकि बसपा के विधायक अनिल सिंह ने ही भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की।